हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय सक्सेस चैनल। आज सिविल इंजीनियरिंग का कितना वैकेंसी है वो आज हम देखने वाले हैं। आरआरबी जो जेई का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें जोन वाइज सिविल इंजीनियरिंग का क्या वैकेंसी है वो एक बार आज देखेंगे। ठीक है, इसमें देख लीजिए जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग का जोन वाइज क्या क्या वैकेंसी है वो भी देखते हैं। आइए वीडियो के अंदर चलते हैं। ये दोस्तों पहले क्या है, अहमदाबाद में जो है आपका 285 सीट, ये मतलब सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग का बता रहा हूँ। सिविल इंजीनियरिंग का जोन वाइज कितने भी आरआरबी जोन है वो टोटल 21 जोन का भी जो आया है उस 21 जोन में कौन सा कितने कितने सीट है। अहमदाबाद में 285 सीट है और अजमेर में 363 सीट है और अलगाबाद में 422 है, बेंगलोर में 205 और भोपाल में 90 और भुवनेश्वर में 96 और बिलासपुर में 174, चंडीगढ़ में 269, चेन्नई में 390 और गोरखपुर में 211। अब इस शीट को अगर आपको जरूरत पड़ेगा तो आप स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। और गुवाहाटी में 259 है, 269 है और जम्मू श्रीनगर में 114, कोलकाता में 335 और मालदा में 98 है और मुंबई में 459। यही सबसे ज़्यादा सीट यहीं पर ही है, मुंबई पर ही है। ठीक है, और मुजफ्फरपुर में 74 है। यहाँ सबसे कम सीट मतलब इस बार जो वैकेंसी है इसमें सबसे कम सीट मुजफ्फरपुर में ही है। पटना में 78 है और रांची में 154 है, सिकंदराबाद में 266 है, सिलगढ़ी में 140 है, तिरुवनंतपुरम में 80 है। ठीक है, ये जो है ये आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में बता दिया मैंने। और जो अभी ज़्यादा वैकेंसी है सबसे कौन सा आर आर बी जोन पे है वो देखेंगे। सबसे पहले है मुंबई में सबसे बहुत ज़्यादा सीट है, वो है 459 सीट है सिविल इंजीनियरिंग के लिए और अलगाबाद में है 422 है सेकेंड नंबर पर है और चेन्नई तीसरे नंबर पे 390 और अजमेर में है आपका 363 और कोलकाता में है 335 और अहमदाबाद में 285, चंडीगढ़ में है 269 और सिकंदराबाद में 266 और गुवाहाटी में 259 है और गोरखपुर में 211 है। ऐसे सेम उसके बाद बेंगलुरु 205, बिलासपुर, रांची ऐसे कम होता जा रहा है, जैसे सबसे कम है वो मुजफ्फरपुर में है। ठीक है दोस्तों, और वैसे आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का क्या है और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का है वो अगले वीडियो में देखते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर सपोर्ट।